तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को तड़के आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 35,000 के पार हो चुकी है और यह लगातार बढ़ रही है। कम से कम 30,000 लोगों की मौत अकेले तुर्की में हुई और कम से कम 5,000 लोग सीरिया में अब तक मारे जा चुके हैं। यह भूकंप बीते 100 साल में इस इलाके में आया सबसे भयानक भूकंप है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक मरने वालों की तादाद 56,000 तक जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के आपदा राहत संयोजक मार्टिन के मुताबिक हमने उत्तर पश्चिम सीरिया में लोगों को निराश किया है और वो अपने आप को जो अकेला महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हम उन तक सही समय पर मदद नहीं पहुंचा सके, ये संयुक्त राष्ट्र का मानना है। हम जिस अंतर्राष्ट्रीय मदद की उम्मीद कर रहे थे वो अभी तक नहीं पहुंची है। मेरी जिम्मेदारी है कि इस गलती को हम जितनी जल्दी सुधार दें और उस पर ही हमारा पूरा ध्यान। इस बीच सभी प्रभावित लोगों तक राहत और बचाव टीमें नहीं पहुंच पाई, इस वजह से कई जगह अपना सब कुछ गंवा चुके लोग काफी नाराज हैं और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कुछ जगहों से लूटपाट की भी खबरें सामने आ रही हैं। अब भूकंप से तुर्की के जो शहर सबसे ज्यादा तबाह हुए हैं उनमें से एक है गाजियांटेप। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह इसी शहर से बता रहे हैं ताजा हाल। इस समय मैं तुर्की के गाजियांटेप में हूं और यहां एक नया दिन निकला है, लेकिन भूकंप पीड़ितों की काली रात बीतने का नाम नहीं ले रही। आप जो मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गाड़ी के मालिक या जिस परिवार की ये गाड़ी है उसका घर कैसा होगा, उसकी इमारत कैसी होगी। लेकिन अब ये परिवार जो है इस तरह से टेंट में रहने को मजबूर है और यहाँ ये जो टेंट है ये कोई सरकारी टेंट नहीं है बल्कि संस्थाओं की मदद से लगाई गई टेंट है और इसमें ही पूरा का पूरा परिवार जो है अब वो रह रहा है। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि भारी ठंड का मौसम है, यहाँ पे खुले आसमान के नीचे जो रात है वो नहीं बिताई जा सकती। सब लोगों को सरकारी कैंप में, सरकार की तरफ से जो कैंप लगाया गया है उसमें जगह नहीं मिल रही है, तो इसलिए जो लोग हैं अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। और ये देखिए ये जो कार है सफ़ेद कार, इसमें एक परिवार सो रहा है, बच्चे सो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो परिवार है वो कार में सो रहा है और जब इनको हीटिंग की ज़रूरत होती है तो कार चलाकर, जैसे कि कार अभी स्टार्ट किया है और कार की के हीटिंग सिस्टम के ज़रिए अपने आप को गर्म रखने की कोशिश ये करते हैं। बच्चे हैं पीछे सो रहे, ताकि जो हीटिंग सिस्टम इसलिए चलाते हैं क्योंकि ठंड से उनका बचाव हो सके। और जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी आपदा है जिसने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है और उनको मदद की जल्दी ज़रूरत है। दुनिया के देशों से मदद आ रही है लेकिन वो कम पड़ रही है क्योंकि ये आपदा ही इतनी भयावह है। खुद एर्दोगान जो कि राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि ये सदी की सबसे बड़ी आपदा है और इससे निपटने के लिए कोई अकेला देश खुद सक्षम नहीं हो सकता। तो एर्दोगान की काफ़ी आलोचना भी हो रही है, उन पर दबाव इस बात को लेकर है कि वो जल्द से जल्द जो राहत का काम है तेज करें, लोगों तक मदद पहुंचाएं। इस साल जून में चुनाव होना है और 2 दशक से यहाँ पर एर्दोगान की सत्ता है। अभी फिलहाल उनकी लोकप्रियता जो है उसमें कमी आई बताई जा रही है, लोगों में नाराज़गी बढ़ी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस मुल्क का जो होगा वो होगा। अभी फौरी तौर पर ज़रूरत इस बात की है कि कैसे ये जो लोग हैं जो गाड़ियों में सो रहे हैं, जो इस तरह के टेंट में सो रहे हैं जहाँ पे हीटिंग सिस्टम नहीं है और इस तरह के मौसम में जो हीटिंग सिस्टम का होना लाजमी है, यहाँ की बेसिक नेसेसिटी है। आप देख सकते हैं पीछे अभी भी बर्फ़ आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस जो सब ज़ीरो टेम्परेचर में लोगों के पास बेसिक जो एम्यूनिटीज़ हैं वो हो और जो भूकंप से किसी तरह बच गए हैं उनके जीवन को ठंड से खतरा ना हो, इन सब बातों पे सरकार को सोचना होगा और इस दिशा में वो क्या कर रही है सबकी निगाह इस बात पर होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ स्थिति ज़मीन पर काफ़ी हृदय विदारक बनी हुई है और इसलिए जो आलोचना है वो एर्दोगान की हो रही है। ये भी कहा गया कि उन्होंने सेना को समय से ज़मीन पे नहीं उतारा रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो काफ़ी आलोचना उनकी हो रही है। लेकिन सरकार की आलोचना एक तरफ, दूसरी तरफ लोगों का दर्द, और ये दर्द जो है वो इतना ज़्यादा इतना बड़ा है कि कैसे ये इससे उभरेंगे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। गाजियांटेप से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।